हेलो यूट्यूबर्स, आज मैं मशरूम करी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मशरूम, दो अनियन, दो प्याज, तीन मिर्च, गार्लिक, एक टमाटर और थोड़ा सा कोरिएंडर धनिया। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज को बारीक काट लेंगे, दोनों प्याज। ये सारे लहसुन काट लेंगे छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा काटना है इसमें। इस तरह से फिर चिली और धनिया, इसको भी बारीक काट लेंगे। और लास्ट में बचेगा टमाटर, उसे भी काट लेंगे। अब मशरूम को बहुत अच्छी तरह से धुल लेना है। इसके बाद में मैंने 2 से 3 बार धुला हुआ है। और फिर इसको कट कर लेंगे 4 पीसेस में, और जो उसका ब्लैक पोर्शन है वो निकाल दीजिएगा, वो ख़राब होता है। ये देखिए मैंने निकाल दिया है। अब पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसमें मशरूम डाल देंगे। 6 से 7 मिनट लगेगा अगर मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे भूनेंगे आप। थोड़ा सा सॉल्ट आप इस पर डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जिसमें इसमें ऑयल बचेगा इसको निकालने के बाद, मशरूम निकालने के बाद, वो फेंकना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें मशरूम का पूरा पूरा फ्लेवर होगा, वो सब्ज़ी को और टेस्टी बना देगा। ये देखिए मैं ऑयल छोड़ती जा रही हूँ नीचे की तरफ, ये देखिए कितना ऑयल बच गया है। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 टीस्पून के लगभग, और पहले से भी मेरा ऑयल बचा हुआ था मशरूम का, तो वो भी इसमें है। सब्जी मसाले लिया 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, जीरा, सॉल्ट और थोड़ा काली मिर्च पाउडर। अब सबसे पहले इसमें जीरा डाल देंगे, उसके बाद प्याज, अनियन, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, मतलब ब्राउन नहीं करना है, लेकिन ऐसा करना है कि मुरझा जाए, प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। वैसे तो मशरूम बहुत टाइप के बनते हैं। अभी गार्लिक डाल दिया, लहसुन, लेकिन मैं जो बना रही हूँ वो थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग आएगा। जैसे मशरूम मसाला होता, मशरूम फ्राई होता है, ये मशरूम ग्रेवी भरा वाला बनेगा, लेकिन ये अलग टाइप का होगा, थोड़ा सा अच्छा, बहुत अच्छा लाइट टेस्ट आता है। मशरूम का टेस्ट बहुत जूसी जूसी आता है। फिर मैंने मिर्च डाल दिया है, अब मशरूम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको गरम गरम ही खाइएगा, गरम गरम में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, ये देखिए फ्राई हो गया। अब इसमें एक टमाटर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और तो जो मसाले थे वो सारे अब ऐड कर देंगे इसमें, बहुत ज़्यादा देर तक मसालों को इसमें फ्राई नहीं करना है। सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, सॉल्ट और काली मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैंने ड्राई मसाले डाले हुए हैं, पानी में नहीं भिगोया हुआ है इसलिए, और मशरूम में भी ज़्यादा पानी नहीं है, तो बहुत देर तक फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना भी आपको करी चाहिए। मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया था, जो नॉर्मली मार्केट में पैकेट मिलते हैं।
एक कप पानी को डाल के इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे जिससे कि इसमें खुशबू आ जाए, और इसे ढक के रख देंगे। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे। देखिए ये बन गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना जूसी जूसी बना है। इसमें मैंने ग्रेवी रखी है पर बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बनेगा। जब भी आप ट्राई करें बताइएगा आपका कैसा बना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, मशरूम का टेस्ट बहुत अच्छा है, अच्छे से पक गया है। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी बना है। पसंद आए लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।